नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार को बड़ी संख्या में पत्रकारों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि फर्जी नाम से पत्रकार बनकर घूम रहे असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्यवाही हो तथा प्रेस लिखे वाहनों की जांच हेतु अभियान चलाया जाए। सिटी प्रेस क्लब में अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी के नेतृत्व में एएसपी द्वय अमरेंद्र सिंह एवं रमेंद्र वर्मा को दो पृष्ठीय ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन संजय शुक्ला ने किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उज्जैन में बड़ी संख्या में प्रेस लिखे वाहन घूम रहे हैं, जिनका पत्रकारिता से कोई भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार फर्जी पत्रकार भी आईडी बनवाकर शासकीय विभागों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री एवं भाजपा के दो दिनी अभ्यास वर्ग निपटाने के बाद आगामी 15 फरवरी से इनके खिलाफ एक माह का अभियान चलाया जाए और गाड़ियां जब्त की जाएं तथा फर्जी पत्रकारों के कार्ड जब्त हो। कुछ कागजी संगठनों के नाम पर भी कार्ड बांट दिए गए हैं। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग तथा समस्त शासकीय कार्यालयों में मूल पत्रकारों की एक सूची उपलब्ध कराई जाए, जिसकी संख्या 300 से अधिक ना हो। उसी सूची के आधार पर शहर के पार्किंग स्थलों पर भी उन्हें मान्य किया जाए। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में एक माह का पवित्र अभियान चलाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी पत्रकारों ने बारी बारी से अपने विचार रखे। इस अवसर पर सिटी प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष आनंद निगम, जय सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष सचिन कासलीवाल एवं बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। उज्जैन जिला क्राइम ब्यूरो, कपिल वर्मा की रिपोर्ट। आज सिटी प्रेस क्लब की ओर से एक मेमोरेंडम एक ज्ञापन पुलिस कंट्रोल रूम में दिया गया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे वाहन या कई इस तरह के लोग जो कई बार प्रेस लिखी गाड़ियां रहती हैं, उन सब की चेकिंग या और इस प्रकार के तमाम जो पॉइंट्स के द्वारा दिए गए, इस संबंध में पुलिस जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पीआरओ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन, उसके साथ में ये मिलकर पूरा एक इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, कई वाहनों पर प्रेस लिखाकर उन्हों का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें भी जो रेगुलर पुलिस की चेकिंग होती है, उस चेकिंग के दौरान इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चेकिंग कराई जाएगी और जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी पूरी कराई जाएगी। उज्जैन से क्राइम ब्यूरो कपिल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।